नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। जी हाँ दोस्तों, रोजाना की तरह एक और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दोस्तों जो आपको जॉब दी जाती है या नौकरी दी जाती है वो अपने ज़िले में नहीं दी जाती है, ठीक है। ये आपको अदर ज़िलों में अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है, अपनी नौकरी दोस्तों अदर ज़िलों में ही पूरी करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अब आपको एक रियायत देते हुए आपको जो नौकरी या जॉब दी जाएगी वो आपके ज़िले के समीप ही दे दी जाएगी, ठीक है। यानी अब आपको जो ड्यूटी करनी होगी वो अपने ज़िले के बिल्कुल पास वाले ज़िले में आप कर सकते हैं दोस्तों। गृह ज़िले के पास तैनात हो सकेंगे पुलिसकर्मी। पुलिस विभाग के अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में लागू मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। बदलाव होने की दशा में इन पुलिसकर्मियों को अपने गृह जनपद के आसपास के ज़िलों में तैनाती दोस्तों मिल सकेगी। अराजपत्रित श्रेणी में पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तैनाती संबंधी नियमों में बदलाव पर शासन की सहमति बन जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री के माध्यम से इसकी घोषणा कराई जा सकती है। यह घोषणा 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर दोस्तों होने की संभावना है। दरअसल पिछले दिनों दोस्तों DGP OP सिंह ने पुलिस विभाग के अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों को राहत देने की मंशा से नियुक्ति के संबंध में चली आ रही बॉर्डर स्कीम की समीक्षा करने का फैसला किया था। समीक्षा के लिए जोन व रेंज स्तर पर अलग अलग कमेटियां बनाई गईं। सूत्रों का कहना है कि DGP मुख्यालय को कुछ जोन व रेंज से रिपोर्ट मिल गई है। कुछ रिपोर्ट्स में पारिवारिक वजहों से पुलिस कर्मियों में बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए गृह जिले के आसपास तैनाती दिए जाने की संतुष्टि दी गई है। तो आपको मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूं। जैसे कि आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस में कर्मचारी हैं तो दोस्तों अब आपको ज़्यादा दूर नौकरी करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जो आपका जनपद है उसमें तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी या आपको ड्यूटी वहाँ तो कराएंगे नहीं अपनी जनपद में, ठीक है। अपनी जो जनपद है आपकी खुद की उसके आसपास के जनपद में, जैसे कि मैं बुलंदशहर से हूँ और हमारे पास में लगा हुआ है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। अगर मैं पुलिसकर्मी हूँ तो मुझे गौतम बुद्ध नगर में ही दोस्तों कहीं भी सेटल कर दिया जाएगा या फिर और देखा जाएगा कि बुलंदशहर की सीमा किस ज़िले से और लगती है। इन जिलों में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं सेटल कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब।